लकड़गंज पुलिस ने 3 दिन पहले गंगा जमुना राजन परिसर में आकस्मिक जांच की। इस दौरान एक युवती पुलिस के हाथ लगी। पूछताछ करने पर उसने अपनी उम्र 22 बताई और कहा कि वह 2 बच्चों की मां है। संदेह होने के कारण पुलिस ने उसे अपने कब्जे में लिया। विश्वास में लेकर पूछताछ करने पर उसने सच बताया। इसी दौरान मध्य प्रदेश की देवास पुलिस भी नागपुर पहुँच गयी और अपहरण होने का मामला सामने आया। बताया जाता है कि किशोरी की उम्र महज 14 वर्ष की है। वह 7 वर्ष की थी जब अज्ञात आरोपियों ने उसका अपहरण कर लिया। उसके साथ 2 और बच्चियों का भी अपहरण किया गया था। पहले उन्हें राजस्थान ले जाया गया। 3 वर्ष तक पीड़ित किशोरी को वहां बंधक बनाकर रख दिया गया। बाद में उसे नागपुर के गंगा जमुना में भेजा गया। 4 वर्ष से आरोपी उससे देह व्यवसाय करवा रहे थे। इसी दौरान कुछ जानकारी हाथ लगने पर देवास पुलिस ने राजस्थान में छापेमारी की। वहाँ पीड़िता की बहन भी मिली। 12 मार्च 2021 को हमें ऐसी मालूमात मिली कि लकड़गंज एरिया में कुछ लोग नाबालिग लड़की के सहारा लेके कुछ नाजायज हरकतें कर रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं। फ्रीडम फर्म जो एनजीओ की एनजीओज है उनको साथ लेके हमने नाबालिग लड़कियां जहां थी वहां छापा मारा, तो वहां एक नाबालिग लड़की हमें मिली। साइमल्टेनियसली एक देवास एमपी की पुलिस ने भी पंडेर जिला भीलवाड़ा राजस्थान यहाँ कार्रवाई की। ये कार्रवाई दौरान इसकी बहन जो 2014 से किडनैप हुई थी और उनके यहाँ ऑफेंस रजिस्टर्ड है वो भी मिली। फिर हमारा एक दूसरे से कांटेक्ट हुआ तो ये जो लड़की है उसकी बहन और उसकी एक फ्रेंड, ऐसे तीनों लड़कियों को 2014 में देवास एरिया से किडनैप कर लिया गया था और बाद में उनको ये बिजनेस में लाया गया था। उन तीनों को अभी रेस्क्यू कर लिया गया है। एक हमने किया और 2 एमपी पुलिस ने किया। उससे पूछताछ में पीड़िता की नागपुर में होने का पता चला। देवास पुलिस भी नागपुर पहुंच गई और बताया गया कि इस संबंध में अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। किशोरी को देवास पुलिस के हवाले किया गया। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BC News नागपुर।